तो दोस्तों, आज भारत और रूस की दोस्ती को लेकर एक काफी अच्छी और बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। और जब प्रतिबंधों के डर से कोई भी रूस की सहायता नहीं कर रहा था, तब भारत ने आगे कदम बढ़ाया है और मित्र रूस की सहायता करी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बन चुका है। दरअसल आप सभी को पता है कि 2022 के स्टार्टिंग में जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू होती है, तो पश्चिमी देशों की तरफ से रूस के ऊपर भारी भयंकर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। जिन प्रतिबंधों का रूस के ऊपर कुछ ज्यादा असर तो नहीं पड़ता है, परंतु रूस की जनता के लिए जो आम आवश्यकताओं की चीजें हैं, जैसे कि कपड़े, फल, सब्जियां, दवाइयां, मेडिसिन और उपचार में काम आने वाले ड्रग वगैरह, इनकी जो किल्लत है वो रशिया में इस साल की शुरुआत से काफी ज्यादा हो चुकी थी। और रशिया जैसे चाहे वैसे इन सामानों की जो खरीदी है वो अपनी जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करना चाहता था, परंतु रशिया की मदद करने के लिए कोई भी देश आगे नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि चीन ने भी प्रतिबंधों के डर से रूस को इस माल को सप्लाई करने से आनाकानी करनी शुरू कर दी। फिर अचानक से भारत के मित्र रशिया को भारत की याद आई और रशियन सरकार की तरफ से भारत से ऑफिशियली तौर पर इस क्षेत्र के अंतर्गत मदद मांगी गई, जिसको लेकर आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। और भारत और रूस के बीच में उपभोक्ताओं के सामान का जो व्यापार है और भारत से जो स्पेशली निर्यात है, वो अक्टूबर महीने में 280 मिलियन डॉलर का हुआ है, यानी करीब 2400 करोड़ का जो सामान है वो रशिया को भारत ने सप्लाई किया है। वहीं पर सितंबर महीने में हमने 2500 करोड़ के आसपास का जो सामान है वो हमने रशिया को सप्लाई किया था। और इस साल के अंत होते होते भारत करीब 5 अरब डॉलर का जो सामान है वो रशिया को सप्लाई कर देगा। वैसे भी इतना तो भारत की तरफ से बनता है, क्योंकि रूस की तरफ से जिस डिस्काउंट के ऊपर हमको कच्चा तेल और फर्टिलाइजर साथ में कोयला दिए जा रहे हैं, इससे भारत करीब 10 बिलियन डॉलर तक आसानी से बचा लेगा, क्योंकि दूसरे देश हमें यही सामान काफी महंगी दरों के ऊपर दे रहे हैं। तो रशिया के लिए भारत इतना तो कर ही सकता है। फिलहाल में आप सभी किस टॉपिक के अंदर क्या राय है और क्या हमें रशिया की और ज्यादा मदद करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।